प्रधान खान युआन ने कहा कि इस साल की शुरुआत में लगातार बेहतर होता रहा है। चीन के विदेशों में निवेश मुख्य तौर पर पट्टेदारी, वाणिज्यिक सेवा उद्योग, प्रसारण और सॉफ्टवेयर व सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग आदि क्षेत्रों में किया जाता है। हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की मुख्य प्रशासन की निंदा की। उन हिंसक व्यक्तियों ने हांगकांग पुलिस पर हमले किए। कैरी लैम ने 15 जुलाई के दोपहर को हांगकांग सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख ली छाओ छाओ के साथ अस्पताल में हमले में घायल हुए मजदूरों को देखा। कैरी लैम ने कहा कि इन हिंसक हमलों ने हांगकांग के कानूनी शासन की भावना को तोड़ा है। कानूनी शासन हांगकांग में सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ज्यादातर हांगकांग नागरिक इस भावना का सम्मान करते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ हिंसक व्यक्तियों ने हांगकांग के कानूनी शासन की भावना तोड़ी है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार हांगकांग के पुलिस मामला विभाग ने 15 जुलाई की रात को कहा कि गत जून महीने की शुरुआत से बड़ी संख्या में नागरिक हांगकांग के अलग स्थलों पर गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। अधिकतर सार्वजनिक गतिविधियां सुव्यवस्थित हैं, लेकिन कुछ गतिविधियों के बाद कई हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कर्मियों पर हमला किया और कानूनी शासन को नुकसान पहुंचाया। उनके हिंसक प्रदर्शन से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमावर्ती मुठभेड़ के चलते पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र 5 महीनों तक बंद रहा। अपना प्रादेशिक हवाई क्षेत्र फिर खोलेगा। भारत ने इसका स्वागत किया और माना कि इस निर्णय से भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योगों का बोझ कम होगा। भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग ने 16 जुलाई को एक बयान जारी कर कहा कि भारत और पाकिस्तान ने उसी दिन तड़के उड़ान प्रतिबंध हटाने की सूचना जारी की, जिसके अनुसार दोनों देशों के असैन्य विमान इस हवाई क्षेत्र में उड़ान भर सकेंगे। कि आगंतुकों की संख्या सामान्य हो रही है और श्रीलंका वर्ष के अंत तक कम से कम 2.5 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य बना रहा है। गौरतलब है कि भारत, ब्रिटेन और चीन श्रीलंका के पर्यटन के लिए प्रमुख बाजार हैं। सोमवार को श्रीलंका में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल की पेशकश की। बयान में कहा गया कि 8.5 मिलियन यूरो का पैकेज ने इस पर रविवार के आतंकी हमलों के बाद श्रीलंका के साथ यूरोपीय संघ की संयुक्त राष्ट्र ने 15 जुलाई को न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि बीते वर्षों से भूखे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2018 के अंत तक भूख से ग्रस्त लोगों की संख्या 82.36 करोड़ पहुंच गई थी। के बाद से ये
मुद्दे की वजह से हर साल लगभग 40 लाख लोग मर जाते हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जुलाई को नए रक्षा मंत्री पद के लिए औपचारिक रूप से मार्क एस्पर को नामांकित किया। व्हाइट हाउस ने उसी दिन सीनेट को एक नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। पेंटागन के प्रवक्ता जोनाथन हॉफमैन ने उसी दिन कहा कि सीनेट की सुनवाई के दौरान ईरान यूरेनियम संवर्धन की सीमा को बढ़ाएगा। वक्तव्य के अनुसार अभी ईरान में कुल 300 किलोग्राम यूरेनियम संवर्धन
का प्रतिनिधिमंडल चीन दौरे पर आया। इस युवा प्रतिनिधिमंडल ने बीजिंग, लांचों और हांगकांग की यात्रा की। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के अलावा देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ब्रैकेट यहां लिखो नीचे इनफाइनाइट लेंथ लिखो मतलब एक लॉन्ग इनफाइनाइट लेंथ की वायर है इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट है आपको आर डिस्टेंस पे बी निकालना है आपको ऐसा नहीं लगता आपने एक्सप्रेशन किया हुआ है हाँ इनफाइनाइट लेंथ की वायर है बोलो बी क्या होगा ठीक है यहां तक होगा अब ये एक्सप्रेशन फिर से आ गया पहले हमने किया विद द हेल्प ऑफ बायट सेवरेट्स लॉ अब करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ये पेपर में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी इसके भी आने की इनफाइनाइट वायर का एक्सप्रेशन आता है बी का निकालने का और बायट सेवरेट लॉ से भी कर सकते हैं एम्पियर से भी कर सकते हैं एम्पियर दो लाइन में खत्म करेगा इसे बायट सेवरेट लॉ आपने देख ही लिया कितना बड़ा है तो इनफाइनाइट वायर के लिए काम करना है जहां पर आपको बी निकालना है वहां बना लें क्लोज्ड पाथ क्योंकि आर डिस्टेंस दूर वायर का ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है ये पॉइंट भी है तो क्लोज्ड पाथ बना लें कोई डाउट इसमें तो यहां पे लिखें दिस इज इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ ये सर्कल को लिखें एरो बना के इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ ये करंट कैरिंग वायर नहीं है सर्कल ये इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है क्लियर है यहां तक तो ये इमेजिनरी क्लोज्ड पाथ है अब इधर देखो करंट इसमें कैसे करंट कैरिंग वायर में करंट कहां जा रहा है ऊपर करंट कहां जा रहा है ऊपर तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगी सर्कल ऐसे सर्कल तो बी कैसे आएगा इनसाइड तो यहां स्मॉल बी लें इनसाइड और जहां बी होते हैं वहीं डीएल होता है सेम डायरेक्शन में तो इस छोटे से एलिमेंट पे क्लोज्ड पाथ पे बी डॉट डीएल में बी डीएल कॉस जीरो क्लियर है क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल निकलेगा बाय इंटीग्रेशन बी बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डीएल 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 क्या देगा आपको 2 पाई आर तो बी इनटू 2 पाई आर और ये तो इंटीग्रेशन से एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या होगा म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट क्लोज्ड पाथ में पास कर रहा है कितना कर रहा है आई एन टाइम्स करेंगे नहीं करेंगे इसमें कौन सा टर्न्स है इसमें तो सीधा करंट चला गया म्यू नॉट इनटू कितना आई तो बी डॉट डीएल की दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर लें इक्वेट कर लिया बी आ गया राइट वाले रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया क्यों किया बताता हूं ऊपर 2 आ गया और 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 एक्सप्रेशन उस फॉर्म में आ गया देखो बी नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर तो मेरे को लगता है अगर इनफाइनाइट वायर का क्वेश्चन आएगा तो एम्पियर सर्किट लॉ में जो मेथड है वो थोड़ा छोटा मेथड है यही करके आना पर अगर वायर फाइनाइट लेंथ की आ गई 5152 फिर कोई इलाज नहीं है फिर बायट सर्किट लॉ ही हेल्प करेगा पॉइंट क्लियर है फाइनाइट लेंथ का वही एक्सप्रेशन ठीक है इनफाइनाइट का ये ठीक है कोई डाउट इसमें ये एप्लीकेशन क्लियर है और लास्ट एप्लीकेशन आज की मैग्नेटिक फील्ड एप्लीकेशन लास्ट है लास्ट नहीं है तो